सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईवी जो है वो इंडिया का फ्यूचर है और 2025 तक उसकी बूम रहने वाली है। सो ऐसी ही एक एग्जीबिशन में आपको मैं लेकर आया हूँ जो नोएडा एक्सपो सेंटर में लगा है। ये लगा है ईवी इंडिया 2020 इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही ज़माना आने वाला है, शुरू हो चुका है। बाइक हो, स्कूटर हो, बस हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, सो इलेक्ट्रिक होने वाली है सब कुछ। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे व्हीकल्स आए हुए हैं इलेक्ट्रिक के, आपको सब पता लगेगा अंदर क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जीबिशन में आया हूँ, सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये है एक्सपो सेंटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा पर पड़ता है, और आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका नॉलेज पार्क 2 पड़ता है। वहाँ से आप वॉक करके भी वैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं तो अपनी बाइक से आया हूँ, पार्किंग फ्री थी, गाड़ी बाइक से आप आ सकते हैं। सो यहाँ की टिकट है या नहीं वो भी मैं पता करता हूँ, ऑनलाइन तो फ्री दिखा रहा था, सो आपको बताते हैं उसी अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया, यहाँ पीछे जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, और ये 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलने वाला है। आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है तो आप ऑनलाइन करा के आ सकते हैं, और यहाँ से आपको एक अपना ऐसे जो है पास मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई विजिटिंग कार्ड, आप नॉर्मल विजिटर हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ पर अपना ऐसे बैच लेके अंदर की तरफ जा सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सो ये हॉल है जहाँ पर असली एग्जीबिशन लगी हुई है पूरी। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है हमारे लिए, क्या क्या मिल सकता है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ। सो ये यहाँ पर महिंद्रा का एक लगा हुआ है, सो ये महिंद्रा का इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये देखिए इलेक्ट्रिक ट्रियो ऑटो, खर्चा कम कमाई ज़्यादा, डाउन पेमेंट 27,999 रुपये। सो ये देखिए, चलाने का खर्चा इसका केवल 50 पैसे प्रति किलोमीटर लिखा है, बस 3 घंटे 50 मिनट में फुल रिचार्ज, और 50 वर्ष से अधिक की इसकी जो है बैटरी लाइफ है। तो यहाँ गाने बड़ी तेज़ बज रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको आ पाए इतनी बात ही देखते हैं, लेकिन ये है ऑटो, तो इसका आप अंदर से देख सकते हैं सारा। सो काफ़ी नॉर्मल ऑटो से काफ़ी मतलब अलग सा थोड़ा सा इसका है, अच्छा लग रहा है। सीट भी जो है बड़ी बड़ी है, खुला है। बाकी देखो, टेक्निकल नॉलेज तो मुझे ज़्यादा है नहीं भाई, सी सी बात है, मैं तो आपको दिखाने आया हूँ, इतना इंटरनल नॉलेज मुझे नहीं। नॉलेज जो वहाँ लिखा है मैं आपको जानकारी दूंगा, और जो मुझे यहाँ से मिल पाएगी वो भी आपको दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस ऑटो को, आप यहाँ पर तो ये बताना थोड़ा सा बेसिक इस ऑटो के बारे में। ये सर 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। 2.5 घंटे में चार्ज, ठीक है। इसकी रेंज है 80 से 85 किलोमीटर। 80 से 85 किलोमीटर, 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, 80-85 किलोमीटर एक बार में चल लेगा। अच्छा, और इसकी स्पीड कितनी चली जाती है? 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल लेता है ये, 50 की, ठीक है। लुक भी अच्छी है। क्या इसका रेट, क्या इसका इसका? तो फ्रेंड्स, ये वाला मॉडल जो है 80 नहीं भैया बता रहे हैं, थोड़ा सा उनको वो हो गया था मॉडल का। ये वाला 130 किलोमीटर चलेगा यार 2.5 घंटे चार्ज होने पे, और 2,92,000 रुपये के करीब इसकी कीमत बता रहे हैं। मतलब ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, एग्जैक्ट एक थोड़ा सा उन्होंने एस्टिमेट दिया मुझे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा लगता हुआ। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और क्या है यहाँ पर। सो ये स्काईलाइन ऑटोमोबाइल्स उन्होंने लगा रखा है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप लोग कहते हैं कि विजिटिंग कार्ड भी दिखा दिया करो। सो अगर आपको ऑटो पसंद आ रहा है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इनका नंबर है। चलिए आगे एक ऑटो और है, उसे देखते हैं। सो ये माल ढोने वाला है, शेप इसकी वैसी ही है ऑलमोस्ट, बट इसमें आप पीछे देखिए सामान वगैरह के लिए है ये, और ये है इलेक्ट्रिक अल्फा, अल्फा मिनी है ये। सो ये वाला जो है ये शायद इस टाइप का है, और एक इधर भी खड़ा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्यूचर ऑफ इंडिया, लाइट वाइट चमक रही है इसलिए फ्लिकर कर रहा है, काफ़ी सुंदर सुंदर ये लगे हुए हैं यहाँ पे, सब ये इलेक्ट्रिक हैं। सो काफ़ी, कौन से ब्रांड के भैया कंपनी? डिलाइट। सो डिलाइट, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है? 5 किलोमीटर दूर अच्छा, मतलब नोएडा की है। सो ये नोएडा की ही मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब इलेक्ट्रिक
है यहाँ पर, एक आधे का फीचर्स और रेट आपको पता करके बताता हूँ। इधर भी देखिए ये वाइट कलर में, और ये वाली मुझे थोड़ा गर्लिश लुक में लेकिन सुंदर लगती है, क्यूट सी ये वाली गो डिलाइट गो, छोटी सी है और अपना ये देखिए काफ़ी क्यूट सी ये लग रही हुई। ये सारे मॉडल हैं आपके? ये सारे मॉडल हैं। ठीक है, ये सारे मॉडल आ रहे हैं इनके? ये सिर्फ आई कैट है, आई कैट पास में 5। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है इनका, एड्रेस वगैरह। सर ये RX 100 है। हाँ, मॉडल नेम है सर RX 100। ठीक है, इनोन आरटीओ। और कितना ये चल लेती है एक बार में चार्ज होने में? एक बार में 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर चलेगी। और चार्जिंग टाइम? 7 से 8 घंटे 7 से 8 घंटे। क्या रेट है इसका सर? रेट तो 7 से 8 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगी और 80 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। और लुक बहुत अच्छी है इसकी, छोटी सी है, गर्ल्स वगैरह के लिए सही है ये। 35,000 पड़ेगा सर विदाउट बैटरी, बैटरी का ही है। ठीक है, 7। अच्छा, विदाउट बैटरी 33,000, बैटरी के साथ 12,800 एक्स्ट्रा लग जाएंगे विद चार्जर। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी हैं जो कि है ऑटम सोलर रूफ। तो ये काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर लग रही हैं, अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिज़ाइन देखिए इसका, तो एक अंदर भी है, यहाँ पर भी है एक। ठीक है, 100 किलोमीटर चलती है। अच्छा, 2 से 2.5 घंटे में चार्ज होती है। चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 18 साल से कम का बच्चा भी चला सकता है, कोई नंबर प्लेट नहीं होगी। ठीक है, और 5 कलर में अवेलेबल है अपने पास। ओके, और हैदराबाद बेस्ड ब्रांड है। हैदराबाद भेज बुला। ठीक, तो दिल्ली में भी डिलीवर हो जाएगा? दिल्ली में हमारा डीलर भी है। अच्छा, हैगा डीलर है। आपको डीलरशिप से गाड़ी लेनी है तो आप उधर से ले सकते। ठीक है, अपना भी विजिटिंग कार्ड देंगे। तो काफ़ी लुक मुझे अलग लगी और काफ़ी अच्छा लुक है, हल्की भी है। और 80 किलोमीटर आपने बताया, 100 किलोमीटर चलेगी चार्ज होने के बाद ये दोनों। तो दिल्ली में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। ये क्या प्राइस पड़ेगा? 70,000 पड़ेगी ये। तो ऐसे मॉडल इनके पास काफ़ी हैं, 5 कलर्स हैं। सो यार, ये है गाया GAIA कंपनी, ये लुधियाना का ब्रांड है और इनके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा इनका लगा हुआ है यहाँ पर। और जो है, अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ समझ आ रहा है और कुछ पूछना हो तो। बाकी बेसिक डिटेल ही मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ पूछ के। सो फ्रेंड्स, ये GE1 जो है 5 घंटे में फुल चार्ज होने के बाद आपका 100 से 120 किलोमीटर तक चलती है और 120 प्लस की ये स्पीड पकड़ेगी, जैसा कि भैया का जो यहाँ पर थे उन्होंने मुझे बताया है। सो लुक काफ़ी अच्छी है, अभी ये लॉन्च होना है दिसंबर में। सो नंबर मैंने आपको दिखा दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे अगर कुछ समझ आता है तो। UP लुधियाना में बता रहे हैं, इनके सेंटर हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते क्या है। ये है मंत्रा बाइक्स, तो इनकी भी देखिए खड़ी हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे स्कूटीज हैं इनकी यहाँ पर। ये खड़ी कहाँ का ब्रांड है मैम? ये हरियाणा की मैन्युफैक्चरिंग है, हिसार। यार ये बाइक देखो मंत्रा वालों की, और ये इसकी लुक भी काफ़ी हैवी है, 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर के आसपास चलती है और वही सेम 100-120 की स्पीड ये भी पकड़ती है। ये भी अभी लॉन्च होनी है हिसार की कंपनी में। इनका कार्ड लेता हूँ, कार्ड विजिटिंग कार्ड। सो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ विजिटिंग कार्ड पे, सर थैंक यू। सो ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड है इनका, आप पोस्ट करके नंबर वगैरह आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप बात कर सकते हैं इनसे। सो स्कूटर वगैरह भी है इनके पास, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बताना थोड़ा सा। ये भी डबल डिस्क में है, डबल डिस्क में। ये भी लो स्पीड में, लो स्पीड में, ठीक है, लो स्पीड में है। ABS बॉडी है, ठीक है, 6 कलर ऑप्शन है, कलर मीटर है, बैकरेस्ट आएगा। ठीक है, बैकरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट है, फुट रेस्ट तो है। और बैटरी बैकअप, और बैटरी बैकअप वो कस्टमाइजेबल है, आप हमारे मतलब 50 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक। अच्छा, बैटरी आपके पास ऑप्शन है जो सा लगवाना चाहो? ठीक है, 50 से 100। ठीक है, और स्पीड कितनी चली जाएगी इसकी भी? ट्वेंटी फाइव चलेगी। इसके लिए वही लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होगा ना, है ना? ठीक है, और उस बाइक के लिए चाहिए होगा ना? बाइक के लिए चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में है। ठीक है, थैंक यू भैया। ये है वर्ड ऑफ EV।
तो यहाँ पर देखते क्या है, ईवी मिंडा ये ब्रांड है, ईवी मिंडा, और ये वाइट कलर की इनकी बाइक जो है, इसके बारे में पूछते हैं भैया से। बताइए सर इसके बारे में। सर ये आज ही लॉन्च हुई है। आज ही लॉन्च हुई है। अच्छा, 200 इसकी रेंज है, स्पीड इसकी 50 अराउंड है। 50 के अराउंड, ठीक है। इसमें जो 25 किलोमीटर मिनिमम जो फॉर्मेट टाइप है, हाँ वो तो रहेगी। इसमें 25 मीटर से चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो 25 आपके पिक्सल है तो 25 भी पिक्सल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो 25 से आगे चले, 25 से मीटर में 25 से होगा, आगे 50 अराउंड आपकी स्पीड से जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जितनी रेंज स्पीड से चल रही है उसी रेंज से, तो उसी रेंज से चलेगी, ठीक है। 3 इयर्स बैटरी की गारंटी है। 3 इयर्स बैटरी की गारंटी, ठीक है। लिथियम बैटरी है। हाँ जी। और बैटरी की 3 साल की गारंटी है। 1 ईयर आपकी कंट्रोलर, कन्वर्टर, MC, मोटर, 1 साल की गारंटी। ये ब्रांड कहाँ का है? ईवी मिंडा। ईवी मिंडा ग्रुप। कहाँ का ब्रांड है ये? जी सर, मिंडा ग्रुप जो आपका सेंटर। अच्छा, मिंडा इंडस्ट्रीज जो है। ओके, सो इसके प्राइस रेंज क्या है सर? 125,000। अच्छा, टिक्की है, ठीक है, छोटे से, हाँ, पेपर वगैरह रखना, कुछ रखना। और ये तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, सही है, अच्छा लुक भी है। इसके भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना? हाँ, बढ़िया। और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बाइक आज लॉन्च हो चुकी है, तो देख रहे हो। सो देखो यार, मैं ज़्यादा क्या को बता रहा हूँ, यहाँ पर ना काफ़ी वैरायटी है। देखिए, एक ये है, ये है, इधर देखिए, इसके अंदर जो है एक ये बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखिए, ये वाली, बैटरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कस्टमाइज करा सकते होंगे ना? कस्टमाइज करवा सकते हैं, कस्टमर के डिमांड पे हम गाड़ी को बनाते हैं, ठीक है। कस्टमर जैसा बोलते हैं कि मेरी 50-60 किलोमीटर की रनिंग है, 70-70 किलोमीटर की रनिंग है, उस हिसाब से हम इसमें बैटरी नंबर देंगे। और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस रहेगा 120 से स्टार्टिंग हो जाती है, 120 से लेके 130 तक, 120 से 130 के बीच में इसकी है। 1,20,000 या 1,30,000। चार्जिंग टाइम क्या रहता है बैटरी का फुल होने में? टाइम रहता है वो 4.5 से लेके 5 घंटे के बीच। अच्छा, मतलब 5 लेके चलो, 5 में हो जाएगा। उसके बाद कितने किलोमीटर बताया आपने चल जाएगी? 120 के बीच में चल जाएगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके काफ़ी सारे हैं और ब्रांड सारा बता दिया। विजिटिंग कार्ड में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए, इनके ये सस्ते मॉडल भी खड़े हैं, जैसे ये वाला है एक स्कूटर। सो ये विजिटिंग कार्ड है इनका, आप नंबर इस पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्कूटर्स भी हैं इनके पास यहाँ पर। सो ये जैसे ये वही है, नॉन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, रजिस्टर्ड गाड़ी है, ये आपको है। इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड है 70 से 80 की, 70 से 80, ठीक है। 80 की इसकी टॉप स्पीड है, ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, ये V1 है, क्रैंक प्लस V1। अच्छा जी, क्रैंक प्लस V1 है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिले जाते हैं, जैसे आपकी की काम नहीं कर रही है तो आप रिमोट से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर की से स्टार्ट नहीं हो रही तो जी, की से आप रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनलॉक कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि पार्किंग में मेरी गाड़ी चोरी हो सकती है, मेरा कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसके अंदर टायर लॉकिंग करेगा। ओके, आप गाड़ी को यहाँ पर कोई भी अगर मूव करता है या कोई भी इसको भगा ले के चोरी करने की कोशिश करेगी तो ये सायरन करने लगी कि इसका टायर लॉक हो जाएगा, ये आगे पीछे। तो इसमें ऑटोमेटिक टायर लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक सिस्टम है, सारे फीचर बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वो फीचर्स तो, और लुक भी अच्छी है। ये देखिए इसका डिस्प्ले, आपको स्पीड बताएगा, कितने सेल डाउन होना वो दिखाएगा, कितने वोल्ट अभी बचा है बैटरी में, कितना वोल्टेज बचता है वो भी दिखाएगा, वो भी दिखाएगा, किलोमीटर भी आपको दिखाएगा, आपको स्विच दिखाएगा इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर। फर्स्ट गियर में आप चलाते हैं 40 से 45 की स्पीड रहती है, सेकंड पर अगर आप चलाते हैं तो 50 से 55 की स्पीड होती है। अगर आप थर्ड पे लेते हैं टॉप स्पीड इसकी आ जाती है 70 से 80 की स्पीड। इसमें आपको रिवर्स दिया जाएगा। अच्छा, जैसे लेडीज से या फिर में को है तो रिवर्स भी हो जाएगी, रिवर्स ले सकते हैं, रिवर्स भी ले सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपको आगे इसमें DRL दिख रहा है, आपको हेडलाइट की साइड DRL देगा, लेंस लगा हुआ है इसमें,
लेकिन लुक मिलेगा। हाँ लुक अच्छा है। और इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस अपने रहने वाला है 1,20,000। 1,20,000। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है पुलिस की गाड़ी आ गई है, चौ 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 करेगी। उन्होंने यहाँ इसको काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। ये है कंपनी है रिमार्क। कहाँ की ब्रांड? ये ब्रांड है गाजियाबाद। गाजियाबाद की है? अच्छा, दोना का सिटी जी। अच्छा, ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो रिमार्क के आप मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पर एक और है, तो इसमें बैक रेस्ट वगैरह भी है। ये लुक है इसकी पूरी। एक उधर रेड कलर में है। अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो एक एरा रेड कलर का, इसका डिस्प्ले और इसका लुक थोड़ा सा अलग है। फ्यूजल सी इसका डिस्प्ले लुक अलग है, देखिए। सो सब अलग अलग है और सब अलग अलग रेंज में आपको यहाँ पर मिलेगा। सो कलर वाइज मुझे ऑरेंज पसंद आता हुआ। सो दोस्तों, ये JP मशीनरी का ही है। सैमो बाइक का भी मैं पता लगाता हूँ, पता लग नहीं पाया, कोई सब बिजी हैं। सो ये जो है 25 किलोमीटर पर आवर चलती है, 250 वॉट की इसमें बैटरी है, 80 किलोमीटर का इसका माइलेज है, स्मार्ट कंट्रोलर है और भी काफ़ी फीचर हैं। वेट इसका 65 kg है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। बाइक में मैं बैठा था, भारी है यार। फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसका और कलर भी शायद मिल जाएंगे, अभी तो इसमें यही नज़र आ रहा है मुझे एक। और रिवर्स भी है इसमें, यानी कि लेडीज़ वगैरह को जैसे प्रॉब्लम हो तो रिवर्स के लिए आप रिवर्स गियर का इस्तेमाल करके रिवर्स कर सकते हैं इसको। सो ये है इनका सैमो। सो एक ये है सैमो का ही डिज़ाइन है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था अभी। ये वाइट कलर में है। सो वैरायटी काफ़ी है, मोस्टली ज़्यादातर ये वाली 25 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी और इन पर लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। This is our low speed variant Globe. Okay. One of the product of Joy Bike Company, which is Gujarat based. Gujarat based. Okay. And the top speed is 50 kmph. 50. And range is 80 to 90 kilometers. Okay. और charging time? Charging time is 3 hours. 2 hours. 2.5 to 3 hours. Okay, full charge. Yes. 26 Okay, and what is the cost of this? Cost estimated 65 to 70 thousand. Okay. So battery हम अपने according अभी. We are providing 60 volt 26 amps. Okay. And battery is removable. Okay, battery removable. This one. Okay, so ये इसमें battery लगेगी. ये इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पीस। भैया ने थोड़ा बहुत इसकी डिटेल दे दी बेसिक। ये जॉय ई बाइक का ही है। सो इनके मॉडल काफ़ी सारे हैं जॉय वालों के। एक ये है, एक इधर है। सो ये है जॉय ई बाइक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो पॉज करके आप ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये है सिल्वी लाइन, कहाँ का प्रोडक्ट है पता करते हैं और एक आध बाइक का या स्कूटी का पता करते हैं भैया से। सो यहाँ पर काफ़ी डिज़ाइन है यहाँ पर भी इनके पास। सो ज़्यादातर मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था कि शायद कोई कुछ और भी डिफरेंट सा मिले, बाकी बाइक और स्कूटी ज़्यादा हैं। गाड़ियाँ एक भी कोई डिस्प्ले में अभी तक नज़र नहीं आएगी, एक भी कार नज़र आ जाती। सो ज़्यादातर अभी ये तो स्टार्ट हो गई है ना बननी, बहुत दबा कर। आगे देखिए ये वाली सिल्वर, ये देखिए ये वाली छोटी सी है, इसको आप देखिए बिल्कुल छोटी सी कॉम्पैक्ट सी लगती है। तो एक ये वाली देखिए सिल्वी लाइन की, बुलेट लुक दिया हुआ है। एक चार्ज पे 150 तो बढ़िया है। और एक चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा इसको? 4.5 से 4 घंटे 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। कितने की पड़ने वाली है?
सर ये 1,50,000 1,50,000 150 शोरूम। और ये जो आपका क्या नाम है सिल्वी लाइन ब्रांड का है ये सर मुंबई का मुंबई। सो ये देखिए दोस्तों जिसमें ये जो 3 यूनिट लेती है इसकी बैटरी चार्ज होने में और 150 किलोमीटर चल रही है यानी कि करीब 21 रुपये में आपका 150 किलोमीटर बुलेट चल रही है देखो और क्या चाहिए। सो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं इनके पास इनका विजिटिंग कार्ड लेके आपको दिखा देते हैं नंबर। सो ये सिल्वी लाइन हाँ सो ये सिल्वी लाइन है जिसको आप अपना ले सकते हैं इनका कार्ड है ये देखिए। सो दोस्तों ये था छोटा सा टूर इस ईवी एक्सपो का। सो मैंने यहाँ पर मोस्टली जो अवेलेबल बाइक स्कूटीज वगैरह थी आपको दिखाया कार्स वगैरह कोई ऐसा मॉडल नज़र नहीं आया यहाँ पर। सो इनके कुछ कुछ के रेट्स भी मैंने आपको बता दिए स्पेसिफिकेशन भी बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी 2 दिन और लगे गई है 8 और 9 तारीख तक आप आ सकते हैं यहाँ पर और अपना देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आर्मिन ब्लॉग पर दिल्ली के आसपास से कहीं पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।